खतरों खिलाड़ी 14 के फिनाले में बिग बॉस 18 के फर्स्ट कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। कौन है वो कंटेस्टेंट, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। भाई आप लोगों को तो पता ही है कि बिग बॉस जो है वो तो बिग बॉस अपना चलाता ही रहता है, पर उसी के साथ साथ मेरी गॉसिप्स, मेरी प्रेडिक्शंस और बिग बॉस से पहले आप लोगों को हर एक चीज़ बताना वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है जब से मैं यूट्यूब चलाने लगी हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिलने लगा है। तो बिग बॉस 18 तो शुरू होने वाला है, खतरों के खिलाड़ी 14 भी आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जा रहा है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इसे सीज़न को। तो अब जो है फिनाले बहुत जल्दी होने वाला है, फिनाले कब होने वाला है अभी तक तो डेट रिलीज़ नहीं हुई है, पर जैसे कि अक्टूबर 6 को जो है बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर है 6 को, तो 5 को जो है इसका खात्मा हो जाएगा, यानी कि खतरों खिलाड़ी 14 का विनर जो है वो मिल जाएगा। इसकी ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है, सब चीज़ें हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जो है करणवीर मेहरा जो है खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर बने हैं, ऐसा सुनने के लिए भी आ रहा है और ऐसा मेरा भी मानना है। तो अब जो है टॉप 5 कंटेस्टेंट आप लोग देखेंगे जब फिनाले होगा, तो टॉप 5 कंटेस्टेंट जैसे कि कृष्णा अभिषेक है और गश्मीरा महाजनी हैं और कश्मीर महाजनी हैं और उसी के साथ शालिन है, करणवीर मेहरा है, अभिषेक है। तो ये 5 जो कंटेस्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा नोन चेहरे हैं, और अभिषेक कुमार और शालिन जो है वो ऑलरेडी मतलब कि आप लोगों को बिग बॉस में भी दिखाई दिए, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्यार दिया, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उनको सपोर्ट किया और कभी कभार काफ़ी ज़्यादा उनकी बैंड भी बजाई, और आप लोगों को भी काफ़ी बार इन दोनों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तो अब जो है ये हो चुकी है, शूटिंग वगैरह हो चुकी है, और मेरी अपडेट के आधार पर जो है करणवीर मेहरा जो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के जो है विनर बन चुके हैं। तो इसके फिनाले में जो है निया शर्मा का नाम जो है अनाउंस करने वाले हैं मेकर्स। तो पहली ये कंफर्म कंटेस्टेंट होगी जो बिग बॉस 18 में आने वाली हैं, और ये मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन मिलेगी, ऐसी अपडेट जो है वो मेरे हाथ लगी है। पर जैसे ही फिनाले होगा और जैसे ही ये सब चीज़ें होंगी तभी और भी कंफर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग निया शर्मा को देखना चाहते हैं बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।